गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 11 स्टैंडर्ड 9 में 11 नंबर जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है एक यात्रा यह भी है। इस कहानी में हमें लेखक जो हमारे लेखक है रामदर्शन मिश्रा, उन्होंने अपनी यात्रा की एक घटना हमें यहाँ बताई है। तो आइए फ्रेंड्स, हम पहले अपना लेखक परिचय जानते हैं और उसके बाद कहानी में क्या है। एक रिक्शा वाला है, उसने अपनी ईमानदारी से इस कहानी में ईमानदारी के साथ और अपनी आत्मीयता के साथ कैसे लोगों के साथ व्यवहार करता है, ये इस कहानी में बताया है। तो आइए फ्रेंड्स, हम कहानी में पहले लेखक परिचय जानते हैं, उसके बाद कहानी सुनते हैं और समझ। मॉर्निंग स्टूडेंट, कक्षा 9, विषय हिंदी, इकाई 11, एक यात्रा यही भी। इसका प्रकार है कहानी। इनके जो लेखक है रामदर्शन मिश्रा, उनका जन्म सन 1924 में रामदर्शन मिश्रा हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। आपकी कहानियाँ काव्य एवं उपन्यास आदि में के क्षेत्र में अपनी कलम चलाई है। ये एक अंतर यात्रा की कहानी है। ये जो हमको कहानी दी गई है एक यात्रा यह भी है, इस कहानी से ली गई है। रामदर्शन मिश्रा ने हमें इस कहानी के द्वारा बहुत अच्छा एक भारत भारती का उन्होंने हमें एक संदेश दिया है। इस कहानी में एक रिक्शा वाला है जो बहुत ही ईमानदार है। वो अपने परिचित होने पर उनके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उत्कृष्ट दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतार के कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंध को खूबी से प्रस्तुत किया गया है, जो अत्यंत प्रेरक है। ये एक रिक्शा वाले की कहानी है। तो आइए फ्रेंड्स, हम एक यात्रा यह भी है, हमारे जो रामदर्शन मिश्रा है उन्होंने यह प्रस्तुत किया है। तो आइए हम पहले उनको जानते हैं। रामदर्शन मिश्रा का जन्म सन 1924 में हुआ था। रामदर्शन मिश्रा हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। आपने कहानियाँ काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। आपके बहुचर्चित उपन्यास है जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर आपकी कविताओं के संग्रह है। बेरंग बेनाम, चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते आपके कहानी संग्रह है, खाली घर, बसंत का एक दिन, इस सट कहानियाँ तक था मेरी प्रिय कहानियाँ, आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था के भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। एक यात्रा यह भी है कहानी में रिक्शा वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतरते गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंध को खूबी से प्रस्तुत किया गया है, जो अत्यंत प्रेरक है। तो आइए फ्रेंड्स, हम पाठ समझते हैं और पढ़ते हैं। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ,
यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोग से पाला पड़ेगा। सबसे बड़े असहजता तो अनुभव होती है अंट संट किराया मांगने वाले ऑटो वालों से, नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, ये चिंता भी बनी होती है। यानी कि दोस्तों, यह हमारे जो लेखक है रामदर्शन मिश्रा, वो निकल पड़ते हैं यात्रा के लिए, तो उनके मन में ये विचार आते हैं कि हम जब वहाँ जाएंगे तो कैसे ऑटो वाले मिलेंगे, अपने मनमानी से किराया मांगेंगे, तो ऐसे सोचते हैं वैसे कैसे लोग मिलेंगे हमको। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। पत्नी साथ थी इसलिए आश्वस्त बनी हुई थी। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए, हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसने आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जा रहे जाइए के ही और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं। उसकी जीत और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृत किया। यानी कि लेखक ग्वालियर जा रहे थे वो अपनी पत्नी को साथ लेकर, तो स्टेशन से उतर के ही उनको एक रिक्शा वाला मिला। वो नवयुवान था यानी जुआन था, तो उसने बोला कि बाबूजी आप आके जाके रिक्शा तो करेंगे, तो फिर मेरी रिक्शा क्यों नहीं, आप मेरी रिक्शा में क्यों नहीं बैठेंगे। तो लेखक को उसकी आवाज़ में कुछ अपनापन लगने लगा। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। यानी लेखक फिर उसकी ऑटो में बैठ गए और पूरे ऑटो में वो बातें करता रहा। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। यानी कि जहाँ उनको जाना था, जो डॉक्टर का क्लिनिक था, वो उन्होंने बदल दिया है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतज़ार कर रहा था, हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूँ, बाबूजी जो इच्छा दो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ का किराया तो अतिरिक्त हो गया न, उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे। मैंने होटल का नाम बताया दिया और कहा भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। वह कुछ बोला नहीं, हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहीं खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा था कि वह ऑटो वाला कुछ और है। वह हमारे भीतर घर करता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा फिर कब जाओगे, यानी आप शहर में घूमने फिरेंगे न, आपको जहाँ जाना हो ले जाऊँगा। वैसे यह कब तक है, कल शताब्दी से लौटेंगे तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊँ। भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं, मोहन, मोहन अच्छा नाम है। यानी कि लेखक ने अपने डॉक्टर के पास गए और वो तब वो भी वो गए और ऑटो वालों ने कहा कि मैं कब आऊँ, तो फिर भी वो होटल के अंदर अरे डॉक्टर के मिलने के गए, तो फिर उन्होंने कहा कि हमें आने में देरी हो जाएगी, आप चले जाओ।
तो घंटे भर बाद निकले बाहर, तभी वो रिक्शा ऑटो वाला वहाँ ही खड़ा था। फिर उन्होंने ऑटो वालों ने उन दोनों को होटल